दिल्ली में बीजेपी की एक तर्जुमान लेडी कल रात में टीवी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में न्याय की गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल की और अपने चैनल के जरिए काफ़ी सरकार के ताल्लुक से गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और काफ़ी वो वायरल भी हुआ। नदीब मिलत पर सदर मजलिस पार्लियामेंट की जाएगा हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर जनाब सी वी आनंद साहब से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में हजरत मौलाना सैयद कबूल पाशा चिश्तानी साहब मुतजिल अली मौलाना जाफरुद्दीन सानी जाफर पाशा साहब मौलाना हामिद अहमद खान साहब मौलाना जियाउद्दीन नैयर साहब मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आला साहब और मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तजा फैज साहब मौलाना आसिफ उमरी साहब ये तमाम इसमें शरीक रहे। हमारा मुतालबा ये है कि उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए और FIR किया जाए, उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए ताकि अगर पुलिस और हुकूमत सख्ती बरतेगी तो आइंदा किसी की भी जरूरत नहीं होगी इसकी गुस्ताखी करने के लिए। लिहाजा हम चाहते हैं कि हालांकि आवाम अमन व अमान की बरकरारी में बराबर ताउन करते जा रहे हैं लेकिन ये शरपसंद अनासर मुख्तलिफ वक्फे से शरंगेजी बयान देकर खुसूसन मुसलमानों की दीरादारी करके उनके दिलों को मजरू करके जो बयान दिए जा रहे हैं वो काबिल मजम्मत है। कमिश्नर साहब ने तमाम से तफसीलात हासिल की और उसके बाद तहरीरी तौर पर उनको याददाश्त भी पेश की गई। उन्होंने तय कुल दिया कि मैं इस तालुक से सख्त एक्शन लूँगा और इस तालुक से मैं जो भी इकदाम FIR करूँगा उन्होंने वादा किया। इंशाल्लाह उनको तवक्कुल है कि वो FIR लेके इसका जवाब देंगे। शुक्रिया।